हाय गाइस, दिस इज योर ट्रस्टेड रियल एस्टेट गाइड अभय। और अपनी न्यू गुड़गांव की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको दोबारा से मिलने आया हूं गाइस सेक्टर 84 में, जहां पे कि आज हम जो प्रोजेक्ट आपका एक्सप्लोर करेंगे दैट इज SS लिंडन फ्लोर। ये लो राइज गेटेड कॉन्डोमिनियम है। ठीक है, लोकेशन के बारे में मैं गंगा रियाल्टी के वीडियो में पहले बता चुका हूँ, तो ब्रीफली आपको दोबारा से बता देता हूँ। ये लोकेशन आपकी CPR रोड से आने के बाद न्यू गुड़गांव का पहला सेक्टर होगा। सामने ही आपका 88 सेक्टर में भी इंस्टीट्यूशनल एरिया डेवलप हो रहा है। द्वारका एक्सप्रेस से आप दिल्ली भी आप इजीली जा पाएंगे। NH8 से आप 5 मिनट दूर हैं। उसके बाद आपका साइबर सिटी 2, जहाँ पे IMAX वगैरह के ऑफिसेज बन रहे हैं, वो भी एरिया आपका यहाँ से बिल्कुल पास में, एक्सटेंशन रोड भी पास में रहेगा। तो मतलब ना फ्यूचर के हिसाब से काफ़ी अच्छी लोकेशन है। इन सेक्टर में ऑलरेडी गाइस हैबिटेशन भी है। 81, 82, 83, 84, 85 सारे सेक्टर में ऑलरेडी यहाँ पे लोग रह रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी लोकेशन है। तो गाइस अब हम चलते हैं और आपको इस प्रोजेक्ट का एक ओवरऑल एनालिसिस देते हैं। सो गाइस, नाउ वी आर एट द एंट्री गेट ऑफ फेज 1 ऑफ लिंडन फ्लोर्स। इसका मेरे ख्याल से मार्च अप्रैल तक OC भी आ जाएगा। ठीक है, फेज 1 में और फेज 2 में दोनों में कंपनी के पास ना सिर्फ बड़े साइज के प्लॉट हैं, जो कि आपके ना 300 गज से लेके आपके मोटा मोटा 450 गज तक के प्लॉट्स हैं यहाँ पे। ठीक है, द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस प्रोजेक्ट इज कि इट इज़ अ लो डेंसिटी प्रोजेक्ट। 17 एकड़ में गाइस सिर्फ और सिर्फ 109 प्लॉट है। 109 प्लॉट का मतलब हुआ 436 अपार्टमेंट है। ठीक है, यहाँ पे फेज 1 के इनके यूनिट्स ऑलमोस्ट सोल्ड आउट है। एक आधा शायद कोई यूनिट अवेलेबल होगा। और फेज 1 के जो मेरे पीछे वाला ब्लॉक देख रहे हैं, यहीं पे सैंपल भी बना हुआ है। यहाँ पे इन्होंने रेड ब्रिक से कंस्ट्रक्शन करी थी। उसके बाद जो ये फेज 2 बना रहे हैं, वहाँ पे ये आपका ब्लॉक सी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, फ्लाई ऐश की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली सेकेंड फेज में आपकी कंस्ट्रक्शन भी थोड़ी सी बेटर होगी। ठीक है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं इंटरनल रोड। यहाँ पे गाइस 12 मीटर की इंटरनल रोड है, जो मैं बार बार बात करता हूँ, दीनदयाल में 9 मीटर में डेंसिटी की प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है, वो प्रॉब्लम आपको यहाँ पे नहीं रहेगी। उसके अलावा प्लॉट्स की चौड़ाई काफ़ी अच्छी है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे आपको पार्किंग की प्रॉब्लम क्यों नहीं रहने वाली है। प्लीज़ कम। तो गाइस, दीनदयाल से ये वाले फ्लोर आपके बेटर क्यों हैं? ठीक है, अब मैं आपको इसमें 2-3 चीज़ें बताता हूँ। एक तो आपकी गाइस ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपकी जो इंटरनल रोड है 12 मीटर की रोड है। ठीक है, यहाँ पे आपको कंजेशन नहीं मिलेगी। उसके बाद आप गाइस ये देखिए, ये ना पूरा आपका कैमरा आप आगे लेके जा सकते हैं, ये आपका पूरा 300 गज का गाइस प्लॉट है। ठीक है, 300 गज के प्लॉट में अगर आप देखेंगे ना, यहाँ पे आपके एक गेट आपका इधर लगेगा, एक गेट आपका इधर लगेगा, और दोनों गेट में ना दो दो दरवाजे होंगे। तो एक दरवाजा जो आपका होगा वो आपको डेडिकेटेड होगा। तो यहाँ पे आपकी ना एक या दो के आप 3 गाड़ियां भी अपनी खड़ी कर सकते हो। तो एक रो आपकी हर फ्लोर की एक रो हो गई, तो 2 गाड़ियों की तो यहाँ पे आपको प्रॉपर आपको स्पेस मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे सेटबैक एरिया भी है। ठीक है, आपके घर में कोई गेस्ट आता है, आप उसकी भी गाड़ी पीछे खड़ी कर सकते हो। बाहर भी आपकी 24 मीटर रोड है। ठीक है, उसके अलावा गाइस दीनदयाल में जो बिल्डर हैं वो आपके ना बेसमेंट में कमरा बना देते हैं। क्यों बनाते हैं? बिकॉज उनका प्लॉट साइज छोटा होता है, आपको सेलेबल एरिया बढ़ाने के लिए, आपको ज़्यादा स्पेस देने के लिए। यहाँ पे इनको ऐसी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल इन्होंने क्या किया है, अगर आप आगे आके देखेंगे यहाँ पे गाइस, इन्होंने ना ग्राउंड फ्लोर के ऊपर आप आगे जाके देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने लेफ्ट हैंड पे मेरे वहाँ पे इन्होंने 2 आपके सर्वेंट रूम भी बनाए हुए हैं। तो ये सर्वेंट रूम है, सर्वेंट रूम के साथ में बोल रहे हैं वॉशरूम भी देंगे आपको। ठीक है, तो आपको सर्वेंट रूम आपका ग्राउंड फ्लोर पे अलग से हो गया, सर्वेंट स्टोर आप जैसे मर्जी उसको यूज़ कर सकते हैं। 2 गाड़ियों की आपकी पार्किंग हो गई, सेटबैक एरिया आपका अच्छा हो गया। ठीक है, उसके बाद गाइस अब हम चलते हैं अपार्टमेंट में, आपको अपार्टमेंट दिखाते हैं, फिर उसके बाद हम आपको प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकेशन और एमिनिटीज़ के बारे में बताएंगे। सो गाइज, अब मैं इनके फर्स्ट फ्लोर के सैम्पल फ्लैट में आ गया हूँ। ये सैम्पल फ्लैट आपने शायद पहले और भी लोगों के वीडियोस में देखा होगा। ये 300 गज का गाइज यहाँ पे आपका फ्लोर है, जिसमें कि ऑलमोस्ट आपको 1500 स्क्वायर फीट का इस कार्पेट एरिया मिलता है। और यहाँ पे ना मैं जब फर्स्ट टाइम आया था ना, तो मेरे को अपने ना दादाजी का घर याद आ गया था, जहाँ पे वो नोएडा में रहते थे बिफोर ही पास्ट अवे। तो मतलब ना जैसे गाइस आपकी कोठियाँ होती है ना, कोठियों में आपका जैसे होता है आपका एक डाइनिंग एरिया यहाँ पे गाइस इन्होंने अलग से दिया हुआ है। और उसके बाद जैसे हमारे ऐसे पंजाबी जो बहुत सोशलाइज करते हैं, जिनके घर में काफ़ी गेस्ट वगैरह आते हैं, तो उनके लिए गाइस इन्होंने यहाँ पे एक प्रॉपर, आप आगे आके अगर देखेंगे ना, प्रॉपर यहाँ पे गाइस आपका डाइनिंग एरिया, ड्राइंग रूम इन्होंने यहाँ पे ना आपका एरिया दिया हुआ है। मतलब यहाँ पे आप अच्छी खासी काफ़ी लोगों की पार्टी कर सकते हैं। इतना बड़ा ना आपको, मतलब 500 गज के फ्लोर में अगर आप DLF का लोगे तो आपको इतना बड़ा लाउंजिंग एरिया मिलता है।
तो दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी नाइस। उसके अलावा गाइज अगर मैं यहाँ से आगे चलता हूँ तो आगे चल के गाइज अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पे इनका यहाँ पे लेफ्ट हैंड पे इनकी किचन है। किचन इन्होंने अभी ज़्यादा कुछ काम किया नहीं हुआ है बेसिक, बट यहाँ पे ये आपको हाफ मॉड्यूलर किचन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा गाइस यहाँ पे जो घर का लेआउट है वो ऐसा है कि लेफ्ट हैंड पे इन्होंने एक बड़ा बेडरूम दिया हुआ है जो कि आपका सॉर्ट ऑफ लाइक आप उसको गेस्ट रूम की तरह मान सकते हैं। उसके अलावा गाइस यहाँ पे पीछे आपके दो बेडरूम हैं जिसमें से आपके ना सामने दो बेडरूम आपको दिख रहे हैं। उसके अलावा राइट हैंड पे वहाँ पे आपका एक किड्स बेडरूम भी है जिसके साथ आपका कॉमन वॉशरूम है। तो मतलब ना ओवरऑल अगर मैं आपसे बात करूँ लेआउट इस फ्लैट का ना गाइस बहुत ही मेरे को अच्छा लगा। और उसका रीज़न क्या है कि फ्लैट की ना मतलब जो प्लॉट की चौड़ाई है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो प्लॉट की चौड़ाई इसीलिए एक तरफ आपका यू नो आपका ड्राइंग रूम आ गया, फिर बीच में किचन आ गई, फिर आपका एक बेडरूम और आ गया, पीछे की तरफ भी आपके यू नो दो बेडरूम आ गए, फिर तीसरे बेडरूम, मतलब जहाँ पे आपका प्लॉट चौड़ा होता है ना मतलब स्क्वेयरिश टाइप का आपका प्लॉट होता है वहीं पर आपको ना इतना अच्छा गाइज लेआउट मिल पाता है, ठीक है। तो अब हम आपको चलते हैं गाइज बताते हैं कि इस फ्लैट के अंदर, अच्छा चलिए मैं आपको यहीं पे इनफैक्ट बता देता हूँ यहाँ पे आपको मतलब घर के अंदर आपको स्पेसिफिकेशंस क्या क्या मिलेंगी, ठीक है। स्पेसिफिकेशंस के अंदर गाइज आपको यहाँ पे लिविंग रूम में और आपका क्या कहते हैं ड्राइंग रूम में और किचन में आपको यहाँ पे इटालियन मार्बल मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको किचन यहाँ पे जो मिलेगी वो हाफ मॉड्यूलर किचन मिलेगी। और उसके बाद आपका गाइज जहाँ तक बेडरूम्स की बात है, जो पीछे वाले दोनों आपके मास्टर बेडरूम हैं, उन मास्टर बेडरूम्स में आपको वुडन फ्लोरिंग मिलेगी, ठीक है। उसके बाद आपको ना यहाँ पे अभी मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे आपका ना जो मास्टर बेडरूम के साथ एक आपका अटैच वो है वॉशरूम, उसके अंदर भी आपको ना क्या कहते हैं वार्डरोब भी बना हुआ है और काफ़ी अच्छा वहाँ पे उन्होंने एरिया बड़ा एरिया उन्होंने बना के यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया है। तो नॉर्मली गाइज जो बिल्डर्स आपको एक हाई राइज में जो स्पेसिफिकेशंस प्रोवाइड करते हैं वो स्पेसिफिकेशंस SS आपको यहाँ पे भी प्रोवाइड कर रहा है। सो गाइस अब मैं आपको ना थोड़ा सा प्रोजेक्ट के डिटेल देने से पहले ना बताना पहले भूल गया था, मैं SS ग्रुप के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अक्रॉस द रोड आप देख रहे हैं गाइस इनका सेक्टर 85 में लीफ प्रोजेक्ट है जो कि डिलीवर्ड है, ठीक है। ओवर द लास्ट 30 ईयर्स दे हैव डिलीवर्ड ऑलमोस्ट 25 प्रोजेक्ट्स। तो डिलीवरी रिकॉर्ड इनका 100% है, कोई भी इनका ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जो कि डिलीवर नहीं हुआ है। यस, बहुत सारे लोगों ने बोला है कि भाई इनकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पुराने वाले प्रोजेक्ट्स में ख़राब रही है। आई एम श्योर वो बात काफ़ी हद तक सही है, मैंने वो चीज़ कोरल वुड में भी देखी हुई है। बट एट द सेम टाइम अब जो नई कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज आ रही है, फ्लाई ऐश आ रहा है आपके यू नो, उसके बाद आपकी ऑलरेडी ब्रिक्स कंस्ट्रक्शन इन्होंने छोड़ दिया है, वहाँ पे संडाना में ये माइवान कंस्ट्रक्शन भी कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि आने वाले प्रोजेक्ट्स में इनकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बेटर होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा गाइस दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप देखेंगे ना ये जो पीछे मैंने आपको प्रोजेक्ट बताया, इस प्रोजेक्ट का अगर आप क्लब हाउस विजिट करेंगे तो उस क्लब हाउस के अंदर आपको जो सारी एमिनिटीज़ मिलेंगी ना वो सारी एमिनिटीज़ आपको यहाँ पर भी SS वाले प्रोवाइड कर रहे हैं। तकरीबन इनका 20 से 22,000 स्क्वायर फीट का गाइज यहाँ पे क्लब होगा, ठीक है। उस क्लब के साथ में गाइज अगर आप देखेंगे उसके अलावा 50% ओपन एरिया भी होगा। 50% ओपन एरिया लो राइज सोसाइटी में ना गाइज बहुत ज़्यादा एरिया होता है, हाई राइज में तो आपका FAR ऊपर की तरफ चले जाता है तो 70-80% भी खाली हो जाता है। लो राइज में 50% एरिया तभी हो सकता है जब आपकी सोसाइटी लो डेंसिटी हो, ठीक है, पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ गाइज अगर मैं क्लब की बात करता हूँ, क्लब में आप बहुत सारी भी एमिनिटीज़ एक्सपेक्ट करते हैं, चाहे वो आपका स्विमिंग पूल हो, चाहे वो आपकी इंडोर स्पोर्ट्स हो, चाहे आपका सोना स्टीम हो, ठीक है, उसके बाद आपकी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हो और भी आपकी ना बहुत सारी एमिनिटीज़ जो भी आप एक क्लब में एक्सपेक्ट करते हैं वो सारी की सारी एमिनिटीज़ SS यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रहा है। अपने पुराने वाले प्रोजेक्ट्स में भी ये दिखा चुके हैं कि एक अल्ट्रा लग्जरी टाइप की कंस्ट्रक्शन एक अल्ट्रा लग्जरी टाइप का क्लब हाउस डिलीवर कर सकते हैं, वही चीज़ें आपको ना यहाँ पर भी इस प्रोजेक्ट में डिलीवर करेंगे। अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा मूव करता हूँ गाइस तो ना यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पीछे इनका फ्लोर का ना वो बना हुआ है, एक लेआउट सा बना हुआ है, तो इसका काफ़ी अच्छा इसका आपका लुक आने वाला है सोसाइटी का। और आप यहाँ पे देखेंगे ना जिस हिसाब से ये इन्होंने मोर वगैरह रखे हुए हैं तो ना एक राजस्थानी स्ट्रॉन्ग कल्चर इनके आर्किटेक्चर में आपको हमेशा दिखेगी। जौनपुरिया साहब राजस्थान से ये MP जो इस कंपनी के ओनर हैं, ठीक है। तो गाइज इस प्रोजेक्ट की ना मैं अगर आपको दो तीन बातें बताऊँ जो मेरे को यहाँ की स्ट्राइकिंग लगी, सबसे पहले चीज़ कि ना इसका जो कार्पेट एरिया है ना
मतलब 300 गज में जो आपको जितना कार्पेट एरिया मेरे को यहाँ पे दिखाया ना, मेरे को अपनी दिल्ली की पुरानी कोठियों की याद आ गई, साउथ दिल्ली में जो मतलब ना पंचशील में और साकेत में हमने अपने दोस्तों की कोठियाँ देखी हुई थी। तो कार्पेट एरिया इज सुपर्ब, लेआउट इज सुपर्ब, आपका ना प्लॉट चौड़ा है तो आपको मतलब ना लेआउट घर का अच्छा निकल जाता है। उसके अलावा गाइस प्राइसिंग ठीक है, ये प्रोजेक्ट लास्ट ईयर लॉन्च हुआ था फेज़ वन पे, तब इसका प्राइस थोड़ा कम था, आज इसका जो प्राइस है वो आपका 2,40,00,000 के आसपास है। 25 दिसंबर के बाद ये प्राइस उसको और भी बढ़ाने वाले हैं। क्यों बढ़ाने वाले हैं कि इस क्वालिटी की चीज़ गाइस, अगर मैं इसका एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करता हूँ, गॉल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे मैंने अदानी बिरला के प्रोजेक्ट यू नो कवर किए हुए हैं। अदानी का आपका आवासा है एल ब्लॉक, जो कि छोटा लैंड पैच है ठीक है क्लब के सामने, वहाँ पर आपको 300 गज में जितना कार्पेट एरिया मिल रहा है और यहाँ आपको 300 गज में जितना कार्पेट एरिया मिल रहा है, आप उसको कंपेयर कर सकते हैं। अदानी में आपको आज की डेट में कंपनी बेच रही है 4.25 करोड़ में ठीक है। अब मैं अगर बात करता हूँ बिरला की, बिरला का जो बड़े वाला लैंड पैच है 25 एकड़ वाला अविक, जो कि इससे आप कंपेयर कर सकते हो, वहाँ पे आज की डेट में 4 बेडरूम आपका 5 करोड़ प्लस स्टार्टिंग है ठीक है। तो उस हिसाब से गाइस तीसरी चीज़ अगर आप देखो कि 4 बेडरूम आज की रेट में आपको नई कंस्ट्रक्शन का यू नो 2-2.5 करोड़ के बजट में कहाँ पे मिलता है, आप भी मुझे बता सकते हैं ठीक है। तो ये बहुत सारे रीज़न हैं जिसकी वजह से आप इस प्रोजेक्ट को यू नो कंसिडर कर सकते हैं। एक और चीज़ गाइस, जब तक इसका पोजेशन होगा 1-1.5 साल बाद फेज़ 2 का, तब तक क्या क्या हो चुका होगा, CPR रोड 100% खुल चुकी होगी, द्वारका एक्सप्रेस वे आपका वहाँ पे महिपालपुर से कनेक्ट हो चुका होगा ठीक है, SPR पे आपका क्या कहते हैं वहाँ पे वो उसका आपका MX का ऑफिस भी खुल चुका होगा ठीक है। तो काफ़ी डेवलपमेंट इस एरिया में हो चुकी होगी, तो मेरे को लगता है कि पोजेशन तक इसका प्राइस भी अप्रिशिएट कर जाएगा, ये एरिया भी और लिवेबल हो जाएगा। फेज़ वन के जो लोग रह रहे हैं तब तक शायद उतना क्लब हाउस और बाकी इनकी मार्केट वगैरह ना बनी हो, वो आपकी फेज़ टू डिलीवर होने तक बन जाएगी। तो अगर गाइज आप एक एंड यूज़र हैं ठीक है, और आप गुड़गांव में 4 बेडरूम देख रहे हैं 2.5 करोड़ के बजट में, तो आपको ये प्रोजेक्ट डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए ठीक है। और उसके अलावा गाइज मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आने वाले टाइम में ना गाइज कोई भी मुझे नहीं लगता बिल्डर गुड़गांव में आपको 2-3-4 साल के पेमेंट प्लान में ना कोई भी आपको 4-5 करोड़ से कम गुड़गांव में, मे बी 3.5 करोड़ से कम गुड़गांव में कोई भी आपको 4 बेडरूम ऑफ़र करने वाला है। और वो भी जो 4 बेडरूम ऑफ़र करेंगे उसमें जो कारपेट एरिया मिलेगा, मतलब ना दिस इज़ एन अपार्टमेंट जिसका कि अगर मैं सुपर एरिया निकालता हूँ ना, तो इतना कारपेट एरिया लेने के लिए आपको कम से कम 3,500-4,000 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट लेना पड़ेगा, तब आपको जाके इतना कारपेट एरिया मिलेगा ठीक है गाइस। तो मेरे हिसाब से एंड यूज़ के लिए ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। अगर आप अपने रहने के लिए 4 बेडरूम अपार्टमेंट देख रहे हैं, मेन शहर के पास देख रहे हैं, NH8 के पास देख रहे हैं, तो आपको ये प्रोजेक्ट ज़रूर विजिट करना चाहिए ठीक है गाइस। इसी तरीके से और वैल्यू एडेड इन्फॉर्मेशन लेके किसी और प्रोजेक्ट की लोकेशन पे मैं आपको जल्दी मिलूँगा। बाय फॉर नाउ।